आगे के लिए इतनी देर हो गई और सब चले गए, तू नहीं गई? तुझे भूख लगी होगी ना, ये ले रास्ते में खा लेना। जलेबी नहीं है? ना बेटा, आज तो कड़वी सब्जी का दिन है। चलती हूँ। मैंने जेफ के कुछ शॉट्स देखे, आई मस्ट टेल यू, वो चमकीली इतनी फनी लग रही थी ना, आई मीन टोटल डिजास्टर। आई होप उसके फोटोग्राफ्स कैलेंडर में। मैं हेल्प कर दूं? डोंट वरी, आसपास कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों। हम नहीं डरेंगे, हमें सिर्फ ये पूछना है कि हम घर जा सकते हैं या नहीं। Excuse me. चमकीली, तुम चुप चुप के हमें देख रही थी? नहीं, समझती क्या हो तुम अपने आप को? नहीं, वो हम दिमाग तो तुम में है नहीं, अब तुम्हें तमीज भी सिखानी पड़ेगी। जी, वो हम हर बात से पहले जी लगाना नहीं भूलती, तो दरवाजे पे नॉक करना कैसे भूल गई? हमने दरवाजा खटखटाया था। इसकी हिम्मत तो देखो, दो दिन हुए नहीं कि जवाब दे रही है। हम बस ये पूछने आए थे कि क्या हम घर जा सकते हैं। क्यों, मन भर गया नौकरी से और पैसे नहीं कमाने? हम नौकरी छोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम अभी घर जाने की बात कर। घर जाना चाहती हो? नहीं जा सकती। पर सर, सवार पर तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए क्लाइंट्स आ रहे हैं, तुम नीचे जाओगी और पार्किंग में उन्हें असिस्ट करोगी। सारे सिक्योरिटी को छुट्टी दे दो, मैं पार्किंग लॉट में किसी और को भेज रहा हूं। सर, आप ऐसा क्यों करें? जब तक वो लोग चले नहीं जाते, तुम पार्किंग लॉट में ही रहोगे। लेकिन सर, हमें घर रहो या रिजाइन कर दो। अब देख क्या रही हो, आउट। तो छाता भी नहीं ले गई। बरसो नंद किशोर, बरसो। अब भेजी है तब ही मजा आ रही है। फोन क्यों नहीं दिख रहा? यहां तो नेटवर्क ही नहीं है।
कितने परेशान हो। किशोर का करें परमेश्वरी का, हमरा तो सर फटा जा रहा है। बुआ जी, हम जाकर खुशी को लेकर आते। आलो, खबरदार जो घर के बाहर कदम भी रखा तो। तुम खुद जाई हो तो हमको तो गुमशुदा तलाश केंद्र के चक्कर लगाने पड़ी है ना। ससी बबुआ को का जवाब दी है। बड़ी जम के बारिश हो रही है आज। खुशी जी आ गई। अभी तक नहीं पहुंची। आप लोग फोन वोन किए? हाँ, मैंने कोशिश की थी, उसका फोन लगा नहीं। हाँ, ऐसी बरसात हो रही है और उनके मेन ऑफिस के एरिया में तो अक्सर बारिश में फोन बंद हो जाते हैं। अरे नंद की फोर। श्याम जी, अब हम क्या कर सकते हैं? आप चिंता मत कीजिए, हम देख के आते हैं। आप लोग ये खाना रखिए। अरे बेटी, तुम तो भीग गई हो। हेलो मिस्टर दत्ता। अर्नव, ये सब क्या हो रहा है? इतनी बारिश में तुमने इस लड़की को यहाँ ड्यूटी पर लगाया है? अर्नव भी ना, कभी कभी हद कर देता है। Let's go, sir. हाय नंद किशोर, ई चुकरिया हमका दिल का दौरा पड़वा के ही मनी है। ये देवी मैया, ये खुशी कहाँ रह गई? मैं आपको घर छोड़ देता हूं। जी, उसकी कोई जरूरत नहीं। देखिए, बहुत देर हो चुकी है और बारिश भी तेज है। मैं आपको ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकता। प्लीज चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूं।
क्योंकि मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ। मैं सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही है। फिर क्यों, क्यों मुझे उसी का ख्याल बार बार आ रहा है, सिर्फ उसी का चेहरा। मुझे बुरा नहीं लग सकता, नहीं, उस लड़की के लिए तो कभी भी नहीं। अर्णव सिंह रायजादा को किसी लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। जीजी तो सबसे ज्यादा, और ऊपर से आज जीजी का क्या हुआ? आप रुक क्यों गई? वो दरअसल आज हमारी जीजी का जन्मदिन है और हमने जीजी के लिए कुछ भी नहीं किया, एक तोहफा तक नहीं लिया। हमने तो सोचा कि खाने के छुट्टी के वक्त हम जीजी के लिए तोहफा लाएंगे, लेकिन आप तो जानते हैं कि क्या हुआ। पता नहीं हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। वो असल में हमसे चुप्पी सही नहीं जाती, इसलिए हम कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं। जरा मेरा बैग पास कर देंगी? जी थैंक्स। ये कैसा रहेगा आपकी जीजी के लिए? ये तो बहुत ही सुंदर दुपट्टा है। क्या पता आपकी जीजी को ये पसंद आ जाए। नहीं, पर हम ये नहीं रख सकते। नहीं नहीं प्लीज, जन्मदिन के मौके पर ऐसे खाली हाथ जाना ठीक नहीं। और वैसे भी जिनके लिए दुपट्टा लिया था वो पता नहीं मुझे कभी मिलेंगी भी या नहीं। जी जी कुछ नहीं जी, शुक्रिया, पर इसके पैसे जी नहीं आपको... प्लीज देखिए, आपके साथ जो हुआ उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। कम से कम आपकी वक्त की खराबी के बदले ही ये दुपट्टा रख लीजिए। उस लॉर्ड गवर्नर की गलती के लिए आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? लॉर्ड गवर्नर मतलब ASR। माफ कीजिए, पर वो इसी किताब के लायक है, क्योंकि वो सख्त है, उनका स्वभाव ऐसा हो गया। बहुत ही कम उम्र में उन पर बहुत जिम्मेदारियां आ गई थी। हम ये सब नहीं जानते, आप भी तो उसी ऑफिस में काम करते हैं ना, और देवी मैया की कृपा से आपके पास भी इतनी बड़ी गाड़ी है, पर आपके स्वभाव और उनके स्वभाव में कितना अंतर है। आप कितने सज्जन पुरुष हैं और वो राक्षस है, राक्षस।
खुशी जी का फोन भी नहीं लग रहा है। आप यहाँ रहती हैं? जी, वो उस मोड़ के अंदर। श्याम जी, ये गाड़ी तो